I am totally wrong. Hey guys, welcome. A very romantic good afternoon. राय माता लगता है उनको भी कुछ बात करना है. आई गेस लास्ट टू लास्ट वीक, दो हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ये पेंडेमिक हमारा साथ, हाँ समझ सकता हूँ, हमारा साथ जो है 2 साल तक नहीं छोड़ने वाला. लगता है उनको कुछ कहना है कैमरे में, तो वहाँ पे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि फार्मिंग व्यू आप देख सकते हो, पूरा अभी भी इस तरीके से पानी पानी भरा हुआ है. सो लास्ट टू लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था 2 वीक पहले, तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ये पेंडेमिक 2 साल तक हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला. और वहीं पे मैं रॉन्ग था, ये पेंडेमिक 2 साल तक नहीं, ये पेंडेमिक शायद लाइफ टाइम हमारा साथ ना छोड़े. तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि फ़िलहाल के लिए तो जो मेडिकल साइंस है, इस पेंडेमिक का जो वैक्सीनेशन है इसको इन्वेंट करने में फ़िलहाल सक्सेसफुल नहीं है, बट इन फ्यूचर वो आएगा. बट ये जो पेंडेमिक है, ये इतना तो मैं न्यूज़ देख के, लोगों से सुन के, लोगों की आदतों को चेंज होता हुआ देख के, इस तरह से इस चीज़ को इतना सीरियसली लोगों के मन में आते हुए देख के इतना तो कह सकता हूँ कि ये लाइफ टाइम के लिए आ गया है. जब ये पेंडेमिक हमारा नेक्स्ट जनरेशन देखेगा तो हो सकता है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आए उनका इम्यूनिटी इतना ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि शायद उनके, अगर ये वायरस आ भी जाए, अगर वो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं, तो शायद उनको वैक्सीनेशन का भी ज़रूरत ना पड़े. क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, क्योंकि इसके पहले वाला जनरेशन जो हमारी जनरेशन है ये पेंडेमिक देख चुके हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन को शायद उनका इम्यूनिटी इतना पावरफुल हो जाए कि कोई वैक्सीनेशन का ज़रूरत ही ना पड़े. बट फिलहाल के लिए हमारे जनरेशन को तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, वरना इस चीज़ को रिकवर कर पाना मुश्किल है. वेल, हाल ही में हुए रामदेव बाबा के इस नए नो मेडिसिन को लेकर के जो इंसिडेंट हुआ वो तो आप जानते ही है, किस तरह से गवर्नमेंट ने उसको खारिज कर दिया. वेल, गवर्नमेंट ने लोगों तक एक बात तो क्लियरली कह ही दिया है कि सारे लोग अब आत्मनिर्भर हो जाओ. इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो ऑफिसेस पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हाँ, एक बहुत अच्छा न्यूज़ जो मैंने सुना कि गूगल और यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि 2021 तक किसी भी एम्प्लॉय को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है. अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऑफिस सेक्टर को लेकर के एक बहुत ही बड़ा क्रांति जो चेंजेस है वो आने वाला है, कि अब लोगों को समझ में आएगा कि काम करने के लिए हमें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी लॉकडाउन में ऑफिस खोलना इलीगल है, अभी तो वैसे भी बहुत सारे जगह खुलने लगे हैं, बट काम करने के लिए ऑफिस आने की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है. अगर ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब हमें ऑफिस का जो महंगा रेंट है, जो महंगा इलेक्ट्रिसिटी है, और जो भी सन्ड्री एक्सपेंस जो अकाउंट में बोलते हैं ना, जो भी छोटे खर्चे हैं उनको उठाने की ज़रूरत नहीं है. तो जो एम्प्लॉय है वो अपने घरों में बैठकर या फिर अपने फेवरेट प्लेसेस पे बैठकर काम कर सकते हैं. एम्प्लॉयज़ को सिटी में रहकर एक एक्सपेंसिव भाड़ा घरों के लिए भरने की ज़रूरत नहीं है. वो चाहे तो अपने गाँव में रहकर भी, अपने खेतों से भी आराम से बैठ के कोई लैपटॉप या फिर अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो इंटरनेट के थ्रू अपना काम आराम से कर सकते हैं. एक चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ की तरह इंडिया भी उतना पावरफुल हो जाए कि कल को जॉब पे आने के लिए या फिर कोई नए बंदे हायर करने के लिए फिज़िकली मीट ना करना पड़े, वो ऑनलाइन ही उससे इंटरव्यू कंडक्ट करके उस बंदे को हायर कर सकते हैं. वो लेवल का पावर भी इंडिया में आ जाए कल तक मैं उम्मीद करता हूँ, कल यानी इन फ्यूचर. और अगर ये पॉसिबल हुआ तो लोगों के मन में एक और चीज़ आएगा कि अगर वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है तो फिर हमें सिटियों में रहने की क्या ज़रूरत है, इतना एक्सपेंसिव लाइफ जीने की क्या ज़रूरत है. हम वही पैसों को गांव में रह के बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं और एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं और एक अच्छा स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि सिटियों का पॉल्यूशन, पॉपुलेशन या फिर जो भी कह लो, बहुत ज़्यादा है. लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए अगर ऐसी थिंकिंग लेकर लोग शहर से गाँव में शिफ्ट होंगे तो करेंटली उनको वो एनवायरनमेंट सिटी जैसा नहीं मिलने वाला, एक लग्जरी एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही सिटी का आदत लगा हुआ है. तो वहाँ पे सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है, एक अच्छा एनवायरनमेंट में है, एक हेल्दी और एक नॉलेजेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, यहाँ पे उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा. तो हालांकि अभी अगर कुछ लोग शिफ्ट होते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है. हाँ, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये पेंडेमिक हमारे साथ में कितना साल रहेगा, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल. 100 साल, आई गेस 100 साल मतलब लाइफ टाइम.
आई वॉज रॉन्ग बिकॉज द पेंडेमिक इज टू डैम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो, इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि पेंडेमिक हमारे साथ में नेक्स्ट 2 साल तक रहने वाला है और क्या क्या करेगा। फिर अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं ये वाला वीडियो, आप चाहते तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये पेंडेमिक हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहेगा। वेल, कितना लंबा टाइम तक रहेगा, रह रह कर मिटेगा, मिट मिट कर रहेगा, रह ही जाएगा। लेकिन हाँ, इसका वैक्सीनेशन भी आएगा, लेटर ऑन आएगा, अभी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट हाँ ये रहेगा, लाइफ टाइम तक हमारे साथ में चिपका हुआ रहेगा। फिर क्या इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है? वेल, है, सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन फ़िलहाल के लिए तो है ही नहीं और पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने भी ट्राई किया था वैक्सीनेशन निकालने का, यहाँ तक कि रामदेव बाबा ने भी शॉकिंगली कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग का वैक्सीनेशन निकाला, जो कि आयुर्वेदिक दवाई था, बट उसको आई गेस रॉन्ग मार्केटिंग कर दिया यार, डायरेक्टली कोरोना का दवाई बोल के नहीं बेचा होता तो अच्छा रहता। अगर इम्यूनिटी बूस्टिंग बोल करके मार्केट में सेल आउट करते तो काफ़ी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते और गवर्नमेंट भी उस पर बैन लगाने पर नहीं आता। बट हाँ, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो ये लेटर ऑन आएगा और धीरे धीरे, जैसा कि मुझे लगता है कि हमारा जनरेशन तो पास आउट हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो ऑलरेडी एक यू नो हायर लेवल का इम्यूनिटी लेकर के पैदा होगा, जिसके वजह से अगर ये कोरोना उनके अंदर आ भी जाता है तो कुछ कर नहीं पाएगा। सो यही था मेरा थॉट ऑन दिस पेंडेमिक, पेंडेमिक एंड पेंडेमिक। यार, किसी ने सोचा नहीं होगा कि 2020 एक ऐसा ईयर जाने वाला है, आई मीन वर्स्ट ऑफ कोर्स, बट ऐसा आई गेस किसी ने भी नहीं सोचा होगा। यू नो, कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि चाइना तेरी माँ नहीं नहीं, ये चैनल में कोई गंदगी नहीं है। हाँ, आसपास के लोग कभी कुछ बोल देते हैं तो आ जाता है रिकॉर्डिंग में। वेल, इसी के साथ साथ वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।